नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अक्टूबर 18 का खास पाठ। नेशनल नेकटाई डे 18 अक्टूबर को होता है। हालांकि भारत में राष्ट्रीय नेकटाई दिवस जैसा कोई विशेष दिवस की जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ देशों जैसे अमेरिका में नेशनल नेकटाई डे जैसे दिवस होते हैं, जिनका उद्देश्य नेकटाई के फैशन को प्रमोट करना होता है। नेकटाई का सबसे प्रारंभिक रूप प्राचीन मिस्र और चीन में देखा गया था। मिस्र के फिरौनों की ममीकृत मूर्तियों के गले में कपड़े के स्कार्फ देखे गए हैं, जो एक प्रकार की नेकटाई का प्रारंभिक रूप हो सकता है। चीन के टेराकोटा योद्धाओं के गले में भी एक प्रकार के कपड़े की पट्टी देखी गई है, जिसे सैनिक सम्मान और पहचान के रूप में पहनते थे। आधुनिक नेकटाई की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में फ्रांस में लुईस 14वें के शासनकाल के दौरान सैनिकों की पहचान और वफादारी का प्रतीक एक कपड़ा अपने गले के चारों ओर बांधा जाता था। इसे क्रॉवेट कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में क्रॉवेट एक लोकप्रिय परिधान बन गया और इसे विभिन्न रंगों, कपड़ों और स्टाइल में बांधा जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में विक्टोरियन युग में पुरुषों के फैशन में बदलाव आया और क्रॉवेट का स्थान धीरे धीरे पतले और लंबे नेकबैंड या बो टाई ने ले लिया। 1920 के दशक में नेकटाई का आधुनिक रूप विकसित हुआ। जेसी लैंग्सडॉर्फ नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने 1920 के दशक में नेकटाई का त्रिकोणीय कट डिजाइन किया, जिससे नेकटाई को बांधना आसान हो गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी के विभिन्न दशकों में नेकटाई के फैशन में बदलाव आए, जहां इसकी चौड़ाई और लंबाई में परिवर्तन होता रहा। 1960 और 1970 के दशक में पतली नेकटाई फैशन में आई, जबकि 1980 के दशक में चौड़ी नेकटाई का चलन था। संक्षेप में देखें तो नेकटाई का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों और फैशन की शैलियों से प्रभावित रहा है। आज नेकटाई का उपयोग खासकर व्यापारिक और कॉरपोरेट वातावरण में औपचारिकता और पेशेवर पहचान के लिए किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति के स्टाइल और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, नेकटाई फादर्स डे पर दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध उपहार है। और ऐसे 177,147 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप नेकटाई बांध सकते हैं। और 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने एक ऐसी टाई डिजाइन की जिसे तलवार से नहीं काटा जा सकता था। और दुनिया की सबसे महंगी टाई एक भारतीय डिजाइनर सत्या पॉल द्वारा 2004 में मुंबई फैशन शो के लिए बनाई गई थी। टाई की कीमत $2,20,000 थी और यह शुद्ध रेशम और 261 हीरों से बनी थी।